हाय फ्रेंड्स, आज हम लोगों को एक बात तो पता थी कि हमारी धरती के पास से, बहुत पास से, एक एस्ट्रॉइड गुजरने वाला है। लेकिन हम सबको ये नहीं पता था कि वो एस्ट्रॉइड गुजरते हुए हमारे एक सितारे को लेकर के जाएगा, और हम उस एस्ट्रॉइड को देखते रहे और हमारा एक सितारा उसके साथ चला गया। जी हाँ, बात दुखद है लेकिन सच्चाई ऐसी सच्चाई है कि जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और उस सच्चाई को और भी दुखदाई बनाता है यह अवसर। लॉकडाउन है, देश अपने इस इतने बड़े कलाकार के साथ उसकी अंतिम यात्रा में भी एक साथ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन प्रार्थना कर सकता है। इरफान खान एक वास्तविक और अव्वल दर्जे का कलाकार था। वो NSD से लेकर के हॉलीवुड तक के एक्टिंग में एक ऐसा कलाकार जो एक्टिंग नहीं करता था, उस किरदार को जीता था। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग इस दुनिया के रंगमंच में अपना किरदार जी रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं, वैसे ही वो सिनेमा के पर्दे पर भी किरदार को जीता था। एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे एक्टर का जाना देश के लिए दुखदाई रहेगा। उसकी फिल्मों को देख करके, उसके डायलॉग्स को, उसके अभिनय को देख कर हम हमेशा उसको याद करते रहेंगे, और ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से प्रार्थना यही करेंगे कि वो उस पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें। आप सभी प्रार्थना करें ईश्वर से, क्योंकि ऐसे कलाकार बार बार नहीं पैदा होते। तो इस दुख की घड़ी में और एक दुख, आइए एक साथ उस पुण्यात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। महान अभिनेता, एक्टर, कलाकार इरफान खान के लिए 2 मिनट दुआओं में हाथ ऊपर करते हैं, क्योंकि दुआओं से सब कुछ हासिल हो सकता है। तो आइए दुआ करें उस पुण्यात्मा के लिए, और ये दुआ करें कि उस परिवार को भी शांति मिले, इस दुख को सहन करने का साहस मिले। इसी प्रार्थना के साथ ओम शांति शांति शांति।